खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां कोटला बाजार का रोड पूरी तरह से तालाब में तब्दील हो चुका है। वहां के राहगीरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई गाड़ियां रोड में धस चुकी हैं, लेकिन शासन प्रशासन के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है। आवक के जाहिद प्रधान ने बताया कि मैंने कई बार वर्तमान सांसद और वर्तमान विधायक को अवगत कराया और शासन प्रशासन से भी अवगत कराया, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि रोड पास हो चुका है और इसका टेंडर भी हो चुका है। कोटिला आवक मार्ग जो मंगरामा तक ये रोड जाता है, 8 किलोमीटर इसकी लंबाई है। जाहिद प्रधान ने कहा कि अगर इस सड़क पर कोई दुर्घटना होती है तो इसके जिम्मेदार ग्रामीण अभियंता विभाग और उससे संबंधित जेई होंगे, क्योंकि इतने बड़े बड़े गड्ढे रोड में हो गए हैं कि आए दिन उस गड्ढे में गाड़ियां पलट जा रही हैं। जाहिद प्रधान ने कहा कि जो इसके जिम्मेदार अधिकारी हैं वो मामले को संज्ञान में लेकर उचित कार्रवाई करें, नहीं तो हम लोग आंदोलन को बाध्य होंगे। वहीं कोटला बाजार में उलमा काउंसिल के कार्यकर्ताओं ने बड़े बड़े गड्ढों में भरे पानी में मछली मार करके अपना विरोध जताया है और शासन प्रशासन को आईना दिखाने का काम किया है कि सड़क में इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं और सरकार के दावे उनके वायदों में कितना अंतर है, जनता इसे भुगत रही है। देखिए, ऐसा है, मैंने कई बार जो है प्रयास किया, जो है मैं सांसद जी से मिला और विधायक जी जो वर्तमान विधायक हैं उनसे मिला। कोटिला और आवक रोड के संबंध में कई बार मिला और कई बार शासन प्रशासन को लिखा, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ तक कि रोड पास हो गया है, रोड का टेंडर वगैरह सारी प्रक्रिया पूरी हो गई है, आवक कुटला मार्ग की जो मंगरावा को जाता है, जिसपे लगभग जो है 8 किलोमीटर लंबाई है और ग्रामीण अभियंत्रण विभाग इसका जिम्मेदार है। और कोई भी घटना होती है, क्योंकि इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, कोई भी घटना होती है तो जो जिसके अंडर में ये रोड है, क्योंकि प्रधानमंत्री सड़क योजना से बनना है इस रोड को, और इसमें लापरवाही सिर्फ और सिर्फ जो है ग्रामीण अभियंत्र विभाग की है और जेई जो संबंधित जेई हैं उनकी होगी। मैं कई बार जेई साहब से और उनके और भी लोगों से बात किया, यहाँ तक कि सांसद जी से फोन करवाया जो है, लेकिन जो है ये लोग कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। रोज आए दिन जो है कोई ना कोई गाड़ी पलटी रहती है, कोई रिक्शा पलटा रहता है, कोई मरीज उसी में गिरा रहता है रोड के अंदर जो है पानी में। तो ऐसा लग रहा है कि ये जो है रोड ना हो कि ये जो है पोखरा है। सीआईबी इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं, ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।